हमारा भारत आबादी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। और आप भी ये जानते हैं कि आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या में शराब पीने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। सर्वे कंपनी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 16 करोड़ से ज्यादा लोग आज शराब का सेवन करते हैं, जिसमें से 95% पुरुष है, जिनकी उम्र मात्र 15 साल से लेकर 49 साल के बीच में है। यानी भारत में हर 3 पुरुषों में से एक पुरुष शराब का सेवन करता है आज मौजूदा समय में। तो अगर भारत में शराब पीने वाले लोगों की तादाद देखी जाए तो इतनी आबादी तो दुनिया के कई देशों की भी नहीं है। और आपने लॉकडाउन खुलने के बाद शराब की दुकानों के आगे लंबी लंबी लाइनें भी देखी थी, जितनी लंबी लाइन है तो राशन की दुकानों के आगे भी नहीं लगती है। लेकिन दूसरी ओर भारत के कई राज्यों की अर्थव्यवस्था का बड़ा स्रोत शराब से मिलने वाले राजस्व से आता है। तो कई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर पूर्ण रूप से शराबबंदी की गई है। शराबबंदी वाले राज्यों में गुजरात, बिहार, मणिपुर, लक्षद्वीप और मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं। और हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और क्रिसिल सर्वे 2020 की रिपोर्ट में भारत में शराब पीने वाले राज्यों के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष कितने लीटर शराब की बिक्री होती है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा शराब का सेवन होता है, साथ ही भारत को शराब से कितना राजस्व मिलता है, वो सब इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है, भारत में शराब की सबसे ज्यादा बिक्री करने वाला 10 राज्य कौन से हैं, और शराब के मामले में भारतीय पुरुष और महिलाओं की क्या स्थिति है, सबसे कम शराब पीने वाला राज्य कौन से है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले भारत में शराब की बिक्री की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि भारत अल्कोहल की खपत के मामले में पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। आप इस आंकड़े का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि विस्की की खपत के मामले में आज भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। साथ ही पूरी दुनिया में खपत होने वाले विस्की की 2 बोतलों में से 1 बोतल अकेले भारत में बिकती है। और भारत में शादियों के समय 1 बिलियन लीटर प्रति महीने से अधिक की शराब बिक्री होती है, जितना तो छोटे छोटे देश पानी भी नहीं पीते हैं। अब इतनी ज्यादा शराब भारत में बिकती है तो क्या भारत सरकार इसे रोकने की कोशिश करती है कभी? शायद नहीं, क्योंकि सरकार को इससे अच्छा खासा राजस्व मिलता है। तो अब इस बारे में भी जान लेते हैं कि शराब की बिक्री से भारत सरकार को कितना राजस्व मिलता है। किसी भी देश को हर साल शराब की बिक्री से अरबों खरबों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, जिस कारण कोई भी देश शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को साल 2019-20 में मात्र शराब की बिक्री से 1,75,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। और न सिर्फ केंद्र में बैठी भारत सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी से शराब की बिक्री से बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, जिसमें कई राज्य में शराब की बिक्री का राजस्व अन्य सेवाओं की तुलना में सबसे अधिक होता है। तो कई राज्य मात्र शराब की बिक्री के आधार पर ही अपने राज्य के बजट का निर्माण करते हैं। साल 2019-20 में उत्तर प्रदेश को शराब की बिक्री से 31,500 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 20,950 करोड़ रुपये, जबकि महाराष्ट्र को 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ था। तो अगर इतना पैसा मिलता हो तो कौन सी सरकार शराब की बिक्री रोकेगी? अब बात करते हैं कि शराब पीने के मामले में भारतीय महिलाओं और पुरुषों की क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 15 साल या उससे अधिक उम्र की 1% महिलाएं, जबकि इसी आयु के 19% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा शराब का सेवन किया जाता है। भारत में 1.6% ग्रामीण महिलाएं, जबकि 0.6% शहरी महिलाएं शराब पीती है। और ये आंकड़ा पुरुषों में 19.9% ग्रामीण में और 16.5% शहरी पुरुष शराब के आदि है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 54% पुरुष और 53% महिलाएं रोजाना शराब का सेवन करते हैं, जो भारत के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। साथ ही रिपोर्ट बताती है कि अन्य जाति या जनजाति की तुलना में अनुसूचित जनजातियां शराब का ज्यादा सेवन करती है। इसके अलावा भारत में 20% हिंदू, 5% मुसलमान, 28% ईसाई, 47% सिख लोग,
शराब का रोजाना सेवन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भारत के 10 सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले राज्य कौन से हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत की 45% शराब की बिक्री मात्र 5 राज्यों में ही हो जाती है, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य प्रमुख हैं। फिर भी इन 5 राज्यों में से कोई भी राज्य भारत के सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले राज्यों में पहले नंबर पर नहीं आता है। तो चलिए जानते हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा शराब का सेवन करने वाले राज्य कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला है छत्तीसगढ़। भारत में सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आता है। छत्तीसगढ़ की आबादी 3 करोड़ है, जिसमें से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक 35.5% लोग शराब का सेवन करते हैं और उनमें से 6% लोग प्रतिदिन शराब का सेवन करते हैं। इसके बाद दूसरा है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की आबादी मात्र 36.6 लाख की है, जिसमें से त्रिपुरा में 34.7% लोग शराब का सेवन करते हैं और इनमें से 13.7% लोग प्रतिदिन शराब का सेवन पर निर्भर है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। भारत के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ आंध्र प्रदेश भी शराब के सेवन से अछूता नहीं है। आंध्र प्रदेश भारत के शराब की खपत के मामले में 3रे स्थान पर आता है। आंध्र प्रदेश में 34.5% लोग शराब का सेवन करते हैं, जबकि इस राज्य की जनसंख्या 8.45 करोड़ है। उसके बाद आता है पंजाब। तो 3 करोड़ की आबादी वाले पंजाब में 28.5% लोग शराब का सेवन करते हैं और इनमें से 6% लोग नियमित तौर पर शराब का सेवन करते हैं। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या मात्र 17 लाख है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की 27% आबादी शराब का सेवन करती है, जिनमें से 13% लोग शराब का सेवन रोजाना करते हैं। उसके बाद आता है आप में से कई लोगों का पसंदीदा गोवा। शराब के सेवन के मामले में गोवा का स्थान 6ठे नंबर पर है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इस राज्य की जनसंख्या मात्र 18.2 लाख है, जिसमें से करीब 24% लोग शराब का सेवन करते हैं। उसके बाद आता है केरल। भारत के पूर्वी तट पर बसा केरल इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है। केरल के 3.40 करोड़ की आबादी में से 19.9% लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनमें से 6.4% लोग प्रतिदिन शराब पर निर्भर है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास है। इस राज्य में 14% लोग शराब का सेवन करते हैं, यानी 1.40 करोड़ लोग शराब पर निर्भर है। और इसी के साथ शराब पश्चिम बंगाल के लिए 3रा सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान करने वाला क्षेत्र है। उसके बाद आता है तमिलनाडु। इस लिस्ट में 9वें स्थान पर आने वाले तमिलनाडु की संख्या 7.3 करोड़ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 7.3 करोड़ लोगों में से 15% लोग शराब का सेवन करते हैं, जबकि इनमें से 8.4% लोग रोजाना शराब पर निर्भर है। उसके बाद 10वां और आखिरी कर्नाटक राज्य। कर्नाटक की आबादी 6.2 करोड़ है, जिनमें से 11% यानी लगभग 6.8 लाख लोग शराब का सेवन करते हैं। साथ ही कर्नाटक के 2 लाख लोग प्रतिदिन शराब का सेवन करते हैं। तो भारत के 10 सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले राज्य हर साल 600 करोड़ लीटर शराब का सेवन करते हैं। इसके अलावा अगर सबसे कम शराब पीने वाले राज्य को देखा जाए तो शराबबंदी वाले राज्य को छोड़कर राजस्थान और मेघालय सबसे कम शराब का सेवन करने वाले राज्यों में आते हैं। जहां राजस्थान में 2.1% का शराब का सेवन किया जाता है, वहीं मेघालय में 3.4% का शराब का ही सेवन किया जाता है। इकोनॉमिक रिसर्च एजेंसी और लॉ कंसल्टिंग फर्म के रिसर्च के अनुसार अगर भारत में सबसे अधिक शराब पीने वाले लोगों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा शराब का सेवन किया जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जिसकी आबादी 10 करोड़ है, लेकिन कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों के मुकाबले शराब के खपत के मामले में काफ़ी कम है। अब हम ये अच्छे से जानते हैं कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शराब के सेवन के कारण पुरुषों में लिवर फेलियर, हार्ट अटैक और डायबिटीज की समस्याएं उत्पन्न होती है। साथ ही शराब के सेवन के कारण कभी कभी पुरुषों को मेंटल डिजीज का भी सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा हर साल होने वाले सुसाइड केस में 20% केस शराब के सेवन से संबंधित होते हैं। साथ ही पुरुषों के अलावा महिलाओं में भी शराब के सेवन से ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट अटैक और बीपी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन जैसा हमने जाना कि सरकार को शराब की बिक्री से बहुत बड़ा मुनाफा होता है, इस कारण तो इस पर कोई खास रोक टोक नहीं है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में, उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।